अब हम देखेंगे तीसरा, त्रिघात बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात तीन होती है, अधिकतम घात तीन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात तीन होती है, त्रिघात बहुपद कहते हैं, या तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ एक्स की घात तीन प्लस में आठ एक्स की घात दो माइनस सात एक्स प्लस में दो। आप इसमें मैंने पहले, आप देखोगे इस बहुपद की घात क्या है, बहुपद की घात के लिए सारे चरों को देखोगे, या तीन है या दो है या एक है, सबसे बड़ा कौन सा है? तीन है ना। तो आप कहोगे मैम बहुपद की घात तो तीन है, तो मैं क्या कहूंगी, अब तीन है तो इस किस तरह का बहुपद हुआ? तीन, जिस ऐसे बहुपद जिनकी घात तीन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद। क्या मेरी बात समझ आई है? यस और नो, जल्दी बताओ। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनकी घात तीन होती है, अधिकतम घात तीन होती है, जिसमें सबसे बड़ा घाती तीन होगी उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलो मुझे बताओ जरा, वाई प्लस एक है ना, और तीन वाई की घात दो प्लस में पांच, ठीक है, ये मुझे जल्दी से बताइए, ये एक त्रिघाती बहुपद होगा या नहीं? त्रिघाती बहुपद होगा या नहीं? ठीक है, देखो बेटा ऐसे में ना इनको, क्वेश्चन को ना करने की भी जरूरत नहीं होती है समटाइम। यहाँ पर एक्स की वाई की घात दो है, यहाँ एक वाई है, जब इनको गुना करेंगे तो वाई की घात तीन बनेगा मैक्सिमम। सबसे बड़ी वाले को देखो है ना, गुना जो सबसे बड़े वाले हो रहे हैं उनको देखो, वही सबसे बड़ी घात निकल के आएगी। अगर मान लो मैं यहाँ वाई की घात दो प्लस में पांच लिखू और यहाँ पर मैं दो वाई की घात आठ प्लस में चार से करूं, तो सबकी सबसे बड़ी घात देखो क्या बन के आएगी, वाई और आठ वाई, वाई की घात दो और आठ वाई की घात दो कभी ना कभी तो गुना होंगे ना, तो वाई की घात सोलह आएगी, वाई की घात सोलह एक मैक्सिमम घात बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चे, आप गुना करके देख लो, चाहे त्रिघात बहुपद निकलेगा ये। क्यों होगा त्रिघाती बहुपद? आप वाई की गुना जब करोगे तीन वाई की घात दो प्लस पांच से, और एक की करोगे तीन वाई की घात दो प्लस पांच से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्री वाई की घात तीन प्लस में पांच वाई, है ना, और इसकी गुना होगी इससे तो तीन वाई की घात दो प्लस में पांच, ठीक है। अब इन चारों में देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है वाई की? तीन ही है ना, यानी कि त्रिघाती बहुपद हुआ। जल्दी बताओ मेरी बात समझ आई है या नहीं, कि त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिसकी घात अधिकतम घात तीन होती है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो फिर दीजिए जरा एक क्वेश्चन का आंसर, अगर सबको समझ आ गया है तो। निम्नलिखित बहुपदों में त्रिघात बहुपद को पहचानिए, त्रिघात इन चारों में से ऑप्शन में से त्रिघात बहुपद कौन सा है? तो सारे पहले सारे बहुपद की घाते देखो, फिर देखो कि कौन कौन सी घात बहुपद, इनमें से कौन सा ऐसा बहुपद होगा जिसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। अच्छा आपके पास होमवर्क, आपके पास पोल जस्ट अभी आ रहा है, रुक गया क्या? एक सेकेंड, हाँ पोल तो क्या हुआ? इतने आप कॉपी में करके रखिए, पोल जस्ट अभी आ रहा है। ठीक है, कीजिए जरा सभी बच्चे आंसर, पोल आपके पास आ गया होगा। ठीक है, आपको बताना है ए बी सी डी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बहुपद ऐसा है जिसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बेटा, ध्यान से करो, पहले आराम से सोच लो देख लो और उसके बाद जाके पोल में करो, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं बार बार यही कहती हूँ, है ना। चलिए कीजिए जरा,
वेरी गुड, इतने बच्चों ने कर दिया, वेल डन। और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद क्या होता है, मतलब त्रिघात बहुपद जो है वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है, करिए जरा। बच्चे सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। त्रिघात बहुपद हमने देखा है घातों के आधार पर तीन तरह के बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। चलिए कीजिए जरा, अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, बेटा सभी बच्चे आंसर करिए। त्रिघात बहुपद को पहचानिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर दे गया। त्रिघात बहुपद को पहचानिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप में से फिर भी 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया। त्रिघात बहुपद बेटा पहला वाला अगर मैं देखूं ये क्या है, 8 + 7y + y^2 है ना। तो आप इस बहुपद की घात सबसे बड़े कौन सी है, 2 है ना, तो ये तो द्विघाती हुआ, ठीक है। 5 है 5, आपको पता है कोई भी संख्या होती है वो तो अचर बहुपद होता है, और अचर बहुपद की घात, अचर बहुपद की घात तो 0 होती है। हाँ जी बेटा बोलो। नहीं दे पाई, क्या हुआ बेटा? वोटिंग नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी चैट सेक्शन में कर दो, फिर आप अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, ठीक है। और सी ऑप्शन पे जाऊंगी तो बेटा 3 - 2y^4, ठीक है। यहाँ पर y की घात क्या है, 4 है, अधिकतम घात 4 है, तो ये तो इस बहुपद की घात 4 हो गई है ना, तो यानी कि त्रिघाती तो हुआ नहीं। त्रिघाती का तो क्या होता है, 3 होना चाहिए घात, अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। तो मैं डी ऑप्शन पे जाऊंगी, 6 + z^2 - 8 z^3, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पर जेड की घात 2 है, यहाँ जेड की घात 3 है, बड़ी कौन सी है, 3 है ना, तो यानी कि इस बहुपद की घात 3 हुई, यानी कि त्रिघाती बहुपद हुआ। इतना तो बेटा इजी है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हो। नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो, मैं बता दूंगी कैसे त्रिघाती हुआ, क्योंकि इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है, और 3 होती है तो मतलब बहुपद की घात 3 हुई, इसीलिए त्रिघाती बहुपद हुआ। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो? यस और नो, क्लियर हुआ या नहीं? चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दो, देखते हैं कितनों को समझ आया है, ठीक है। आपको बताना है त्रिघाती बहुपद नहीं है, ठीक है, नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक त्रिघाती बहुपद नहीं है, यानी कि बाकी सबकी घात 3 होंगी अधिकतम घात, कोई एक ऐसा है जिसकी जो त्रिघाती बहुपद नहीं है, ठीक है। चलो देखिए और कीजिए। डन मैम, वेरी गुड। डन मैम, वेरी गुड। डन मैम, वेरी गुड बेटा। डन मैम, वेरी गुड। त्रिघाती बहुपद बेटा सभी चरों की पहले घात देखो, उसमें से अधिकतम घात देखो, जो अधिकतम घात होती है वही वो उस बहुपद की घात हो जाती है, फिर देखो कि उसे त्रिघाती किसको कहते हैं, क्या वो त्रिघाती है या नहीं। चलिए कीजिए जरा सभी बच्चे। अभी भी मेरे काफी बच्चे रुके हुए हैं, करिए जल्दी जल्दी।
जो जो बच्चा रुका है आंसर करेंगे सभी। त्रिघाती बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है जो त्रिघाती बहुपद नहीं है, ए बी सी डी में से आपको बताना है। ठीक है, करिए जरा। सभी बच्चे करेंगे, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बचा हुआ है जल्दी से कर दीजिए। अनु की आईडी से बेटा आप चल रहा है आपका, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। ठीक है, चलो सबसे पहले हम देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, y की घात 2 प्लस 7y प्लस y की घात 3। ठीक है, ये है। अब मैं अगर इसको देखूं, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें मेरी घात क्या है, इसकी घात 2 है, इधर 1 है, इधर 3 है, बड़ी कौन सी है जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। यहाँ पर बड़ी सबसे कौन सी है, 3 है ना, तो ये तो त्रिघाती हो गया, क्योंकि ऐसे बहुपद जिनकी घात 3 होती है यानी कि वो बहुपद की घात 3 है उसे त्रिघाती कहते हैं। बी ऑप्शन में जाएं अगर तो वो क्या है, 5z की घात 3, जेड की घात क्या है 3 है, अधिकतम घात ही 3 है यानी कि त्रिघाती हुआ। और काफी सारे बच्चों ने बी ऑप्शन लगा दिया, बेटा पदों के आधार पर नहीं पूछ रही हूं, जब पदों के आधार पर देखते तब आप इसको बोल सकते हो एक पद ही है, हम घातों के आधार पर देख रहे हैं। अगर मैं सी ऑप्शन में जाऊं तो यहाँ पर अधिकतर घात 4 है तो ये त्रिघाती नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। डी में भी अधिकतम घात 3 है। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है?